कांटों में रह के भी गुलाबों की तरह महकना सीखो। वाह! कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खिलना सीखो। वाह! जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता। अरे राख में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। क्या बात है! तो भाइयों और बहनों, दुकान हमारी खुल चुकी है। गल्ले पे भाई साहब बैठ चुके हैं। तेरी ऐसी तेजी। शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे। आई होप आप सब लोगों ने हमारा शो मिस किया। बहुत मिस किया। और सोचो आपको तो पैसे भी नहीं मिलते। तो मैंने और सिद्धू भाई ने कितना किया होगा। अच्छा, जब आप खाली बैठे घूम रहे होते हो तो लोग ना आप में अजीब अजीब कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम खूब होता है, सामने वाले के पास भी खूब। यार क्या हो गया तुझे? शक्ल पीली होगी तेरी। पीलिया हो गया? मैं कहा एक साल से घर पे बैठा येलो दाल खा रहा हूँ, मुंह तो पीला होगा ही मेरा। मतलब अजीब अजीब। अच्छा एक बात तो मैंने ऑब्जर्व की है, जब आदमी का काम धंधा अच्छा चल रहा हो तो उसको पता भी नहीं होता घर में कितने एसी चल रहे हैं। थोड़ा सा काम बंद हो ना, आदमी खुद टॉयलेट के दरवाजे खोल खोल के जीरो वाट के बल्ब बंद करता है। कोई बैठा तो हो नहीं अंदर, किसने ऑन रखा है ये? यही है बिल्कुल नहीं है। अच्छा काम करते हुए आदमी की रिस्पेक्ट बड़ी होती है। घर वाले इतनी टेंशन लेते हैं जब आदमी काम कर रहा हो। मेरी माँ बड़ी टेंशन लेती, घर वाले, मेरे भाई बहन, बेटा सारा दिन काम करते रहते हो, खा भी लिया करो। अच्छा जब काम नहीं कर रहा था ना तो मैं खाना खा रहा था। खाना खा रहा है? अभी सुबह तो खाया था। मतलब विचार ही बदल जाते हैं। अच्छा आदमी काम में बिजी हो, घर आने का टाइम नहीं मिलता, घर आता है तो आदमी जो कुत्ता रखा होता आपने वो बड़े प्यार से मिलता, आपको ऐसे चढ़ जाता है आपके ऊपर। और अगर आप चार दिन काम पे ना जाओ, आप भी उधर ही पड़े हो, कुत्ता भी उधर पड़ा है, तो कुत्ता खास अटेंशन देता नहीं आपको। उसको पता है कि मैं भी इधर बैठा हूँ, तू भी इधर बैठा है, काय का मालिक, काय का कुत्ता। तो कुत्ते को प्यार से बुला ना टॉमी कम, वो जवाब ही नहीं देता है। दो तीन बार फिर बुलाओ ना तो वो आगे जवाब देता है, वो आना फर्श पे लेट जाता है, उसको लेना देना ही कोई नहीं। चाह गया गुरु। अच्छा बेकार आदमी को लोग सलाह बड़ी दे जाते हैं। मेरे भी घर पे बैठा था, मेरे को भी एक आदमी सलाह दे गया, एक ना बेल्ट वाले बाबा के पास जा, लेदर की बेल्ट वाले, नंगे बदन जा उधर, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। क्या मतलब? हाँ, अब बाबा खड़ा एक मारता पहले नंगी पे पीठ पे फटाक करके, बोल है कोई चिंता? जिसने हाथ में लेदर की बेल्ट पकड़ी हो, पीठ आपकी नंगी हो, कोई बोलेगा कि कोई चिंता है? बात का बाबा नहीं, नहीं कोई चिंता नहीं है, बाकी की तीन कौन खाए? गांव में बैठा 60 साल का आदमी धोनी को सलाह दे रहा होता, इसको अब रिटायर हो जाना चाहिए, और खुद रिटायर नहीं हो रहा, उसकी खुद 2-3 महीने बाद खुशखबरी आने वाली होती है। मतलब फालतू की। कुछ लोग तो प्रधानमंत्री तक को सलाह दे देते हैं। एक आदमी ससुराल में बैठा, साली के हाथ के मालपुए खा रहा है, साथ साथ टीवी देख रहा है, प्रधानमंत्री को ज्यादा विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। पीछे उसका ससुर सोच रहा है, कमीने, ये जो तू हर शनिवार इधर आके यात्रा करता है, तुझे सलाह देने वाला कोई नहीं है, फालतू के लोग। मुंबई के ऑटो वाले देख लो आप, मेट्रो ब्रिज के नीचे से निकलते हैं, बैठे बैठे सवारी के साथ फ्रैंक हो जाते हैं, ये क्या बन गया, दूसरे बाहर से आते हैं, ऐसे बना दिया बस। बना दिया, इधर नहीं बनना चाहिए था, उधर बनना चाहिए था, खुद का ध्यान नहीं, पेंट में से कच्चा बाहर आ रहा है, तू अपना दे। फालतू की सलाह। और कुछ लोगों की सलाह तो एकदम से यूनिक होती है। मेरे एक मौसा जी हैं दूर के, मैंने 12th की ना, तो मुझे कहते बेटा 12th हो गई और पढ़ाई लिखाई का फायदा कोई नहीं है, एयर होस्टेस बन जा। हाँ, मैंने कहा क्यों? अपने खानदान में कोई एयर होस्टेस नहीं बना। मैंने कहा आज तो ये बोल रहे, कल को बोलोगे, कल को हमारे खानदान में बेटा कोई माँ नहीं बना, तू माँ बन जा। मतलब कुछ भी सलाह देते हैं। ये दिनेश नहीं बना, दिनेश ये गिटार पे बैठा हुआ है, कुछ भी सलाह देता है। GPS वाली आंटी नहीं होती जो बोलती है, टेक ए यू टर्न फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग, ये उसके साथ भी बहस करता है, आंटी आपका वाला लंबा पड़ेगा। सीरियसली आंटी आपका वाला लंबा पड़ेगा, मैं इधर से घुस रहा हूँ। बड़ी देर बहस करता रहा, फिर GPS के अंदर से एक थप्पड़ निकला, फटाक करके पड़ा इसके, उसके बाद बहस नहीं की इसने। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे की सलाह लेते हैं, बाकी इग्नोर करते हैं। जैसे कोई आदमी ऐसे कहीं पे तो बीमार पड़ा हुआ था, कोई सलाह दे रहा है इसको
रिहैब भेज दो, कोई बोलता है इसको आयुर्वेदा सेंटर भेज दो, कोई बोल रहा है इसको नंगा करके मुल्तानी मिट्टी में लपेट के रखो। एक दूसरे से बोल रहा है बैंकॉक भेजो, बैंकॉक बैंकॉक भेजो। तो जो बीमार पड़ा हुआ था एक महीने से बोल नहीं रहा था, वो सडनली बोलता है अबे कोई उस कमीने की भी सुन लो।